यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज द सेल्स। और टेबल ये कुछ इस तरह से दी हुई है, इस साइड ये ए बी सी डी ई ये सेल्समैन है और टेरिटरीज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये टेरिटरीज है। इन सेल्समैन को हमें टेरिटरीज असाइन करना है ताकि मैक्सिमाइज हो पाए सेल्स को मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है और असाइनमेंट प्रॉब्लम में हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम अगर है तो वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में चेंज करते हैं। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में चेंज करने के लिए इस टेबल में जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है वो ढूंढते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 15 अभी तक मिला, तो 15 इज़ द मैक्सिमम एलिमेंट। 15 से हर एक एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और नई टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे नई टेबल जो बन के आएगी हमारी नई टेबल क्या बन जाएगी, 15 में से इसे घटाएंगे 3 तो दैट इज 12 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 15 में से 4 गया 11, 15 में 5 गया 10, 15 में 6 गया 9, 15 में 7 गया 8, यहाँ 15 में 4 गया 11, 15 में 15 गया 0, 15 में 13 2, 8, 15 में 6 गया 9, 9, 2, 3, 10, 4, 8, 3, 0, 8, 7, 10, 7, 2, 5, 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6। तो हमारे पास अब ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बन गई है, मतलब हमने क्या किया है, मैक्सिमम एलिमेंट माइनस ईच एलिमेंट ये यहाँ पे ऑपरेशन लगाया है। अब क्या हमारा स्टेप होता है, आर माइनस आर, आर वन और आर माइनस आर टू, इस तरीके से आर माइनस आर मिनिमम करते हैं और सी माइनस सी मिनिमम, उसके बाद स्कैनिंग करते हैं। तो जो नई टेबल बन के आएगी, पहली रो में हम क्या कर सकते हैं, सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या है यहाँ पे 8 है तो 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दूसरी रो में 0 है, तीसरी रो में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट दैट इज 2, यहाँ पे आर 4 माइनस 0, आर 5 माइनस 2। तो जो नई टेबल बन के आएगी वो क्या बन जाएगी, एंट्रीज फिल करते हैं, आर 1 माइनस 8 दैट इज आर माइनस आर मिनिमम, तो यहाँ पे 4 आएगा। उसके बाद एट यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे, यहाँ 8 सब्सट्रैक्ट किया दैट इज 3, उसके बाद 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ से तो 2 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, फिर आर 2 माइनस 0 है यानी कि पूरी पूरी रो वही रहेगी। उसके बाद यहाँ पे आर 3 माइनस 2 तो यहाँ आएगा 7, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 3, उसके बाद आर 4 माइनस 0 तो पूरी रो सेम रहेगी 8 3 0 7 10, उसके बाद आर 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 5 0 3 7 4। तो ये हमारे पास नई टेबल बन के आ गई। अब इस टेबल में, नई टेबल में हम क्या करेंगे, सी माइनस सी मिनिमम और उसके बाद स्कैनिंग करेंगे। तो पहले कॉलम में अगर देखा जाए तो सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या है यहाँ पे 5 8 7 11 4 में, तो दैट इज 4। सी टू माइनस क्या करेंगे, मिनिमम एलिमेंट यहाँ पे 0 है, सी थ्री माइनस क्या करेंगे 0 करेंगे, सी फोर माइनस क्या करेंगे, सी फोर में भी मिनिमम एलिमेंट क्या है दैट इज 1, सी फाइव में मिनिमम एलिमेंट क्या है 0। तो
तो यहाँ पे देख रहे हैं तीन कॉलम तो वैसे ही रहेंगे, दो कॉलम में बस चेंजेस आएंगे यहाँ पे। तो नई टेबल बनाते हैं, तो ये नई टेबल बनी। उसके बाद एंट्रीज फिल करते हैं, सी वन माइनस फोर करेंगे अगर तो यहाँ पे कितना आएगा, जीरो बन जाएगा। यहाँ पे, यहाँ पे पहली कॉलम में हमें चार सब्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ सात आएगा, यहाँ पे सात में चार गया तीन, उसके बाद आठ में चार गया चार, उसके बाद पाँच में चार गया एक, उसके बाद सी टू माइनस जीरो यानी कि कोई चेंज नहीं आएगा, थ्री जीरो जीरो थ्री जीरो। सी थ्री में भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि टू सब्सट्रैक्ट करना है, क्या आएगा टू टू वन, उसके बाद जीरो थ्री ये आएगा, उसके बाद सी फोर माइनस वन करना है यानी यहाँ आएगा जीरो, यहाँ पे आएगा सेवन, यहाँ पे आएगा एट, यहाँ पे आएगा सिक्स, यहाँ पे आएगा सिक्स। सी फाइव माइनस जीरो करना है यानी कि यहाँ पे आएगा जीरो, यहाँ पे नाइन आएगा, यहाँ पे थ्री आएगा, यहाँ पे टेन आएगा और यहाँ पे फोर आएगा। अब यहाँ पे स्कैनिंग करनी होगी हमें, अब ये प्रोसेस है स्कैनिंग का। तो नई टेबल बनाएंगे लेकिन उसके पहले हम स्कैनिंग यहाँ पे करते हैं। तो पहले रो वाइज स्कैनिंग करते हैं, तीन जीरो है तो हम किसी को असाइन नहीं कर पाएंगे, उसके बाद एक जीरो मिल गया हमें तो हम इसको असाइन कर लेंगे और इस कॉलम को कैंसिल करेंगे क्योंकि रो वाइज अभी स्कैनिंग करना है। फिर अगला रो में कोई भी जीरो नहीं मिला, यहाँ पे एक जीरो सिंगल जीरो मिल गया, इसे असाइन कर दिया और इस कॉलम को ऐसे कैंसिल कर दिया, उसके बाद यहाँ पे कोई जीरो नहीं मिला। अब कॉलम वाइज स्कैनिंग करेंगे तो यहाँ सिंगल जीरो मिला, कॉलम वाइज कर रहे हैं तो रो को कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे तो ऑलरेडी कैंसिल है, ऑलरेडी कैंसिल है, यहाँ पे गए कोई जीरो नहीं मिला, यहाँ पे कोई जीरो नहीं मिला। फिर रो वाइज करते हैं अगर तो यहाँ पे कोई जीरो नहीं, यहाँ पे कोई जीरो नहीं, यहाँ पे कोई जीरो नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीन जीरोज हैं असाइंड और कोई भी जीरो ऐसा नहीं है यहाँ पे कि जो कि अनलाइंड हो या अनअसाइंड हो। तो थ्री जीरोज नॉट इक्वल टू द, यहाँ पे फाइव बाई फाइव की मैट्रिक्स है, सो दिस इज़ नॉट ऑप्टिमम सॉल्यूशन, नॉट ऑप्टिमम सॉल्यूशन येट। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो न जो अनलाइंड लीस्ट एलिमेंट है क्योंकि अभी ऑप्टिमम सॉल्यूशन तो मिला नहीं है, तीन जीरोज असाइंड हैं हमें, टोटल कितना है फाइव जीरोज असाइंड करने पड़ेंगे ऑप्टिमम सॉल्यूशन पाने के लिए। तो वहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अनलाइंड लीस्ट एलिमेंट को देखते हैं। तो अनलाइंड लीस्ट एलिमेंट मतलब जहाँ पे कोई भी लाइन नहीं है, तो यहाँ पे सेवन सेवन नाइन थ्री एट थ्री फोर सिक्स टेन वन सिक्स फोर, इनमें से लीस्ट एलिमेंट क्या है, इस सेट में लीस्ट एलिमेंट हमें ये वन दिख रहा है। तो अनलाइंड लीस्ट एलिमेंट को हम क्या करेंगे, अनलाइंड लीस्ट एलिमेंट दैट इज वन, वन को क्या करेंगे, जहाँ पे क्रॉसेस हैं वहाँ पे हमें प्लस वन करना होगा, जहाँ पे सिंगल लाइन है वहाँ कुछ नहीं करना है, और जहाँ पे कोई भी लाइन नहीं है वहाँ पे इस अनलाइन लीस्ट एलिमेंट यानी माइनस वन को सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो अगर ये काम करेंगे तो जो नई टेबल बनेगी वो वन टू थ्री फोर फाइव, अब देखो यहाँ पे जहाँ क्रॉसेस हैं पहले वहाँ प्लस वन जोड़ना होगा यानी कि थ्री का बन जाएगा फोर। अगला क्रॉस ये है, यहाँ पे टू का यहाँ थ्री बन जाएगा, और कोई क्रॉस तो दिख नहीं रहा है बाकी। अब यहाँ पे जहाँ सिंगल लाइन है वहाँ के एलिमेंट को ऐसे ही लिख देंगे, तो यहाँ पे जीरो हो गया, 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 यहाँ पे थ्री हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ थ्री हो गया, यहाँ जीरो, यहाँ वन और यहाँ टू। अब जो अनलाइंड एलिमेंट्स हैं वहाँ पे लीस्ट अनलाइंड लीस्ट एलिमेंट को माइनस करेंगे यानी कि माइनस वन करेंगे बाकी बचे एलिमेंट में, यानी कि यहाँ पे छः आएगा
यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 6 में 1 गया 5, उसके बाद 5, उसके बाद यहाँ 7, उसके बाद यहाँ पे 6, यहाँ 8, यहाँ 2, यहाँ 9, यहाँ 3। तो नई टेबल हमारे पास कुछ इस तरह की बनेगी। अब फिर से हम स्कैनिंग करेंगे, यहाँ पे पहले रो वाइज स्कैनिंग करते हैं। तो यहाँ 3 0 हैं, किसी को असाइन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट रो में R2 में गए तो 1 0 सिंगल 0 मिल गया, यहाँ असाइन कर दिया और इस कॉलम को कैंसिल कर दिया। रो वाइज कर रहे हैं स्कैनिंग पहले, तो यहाँ सिंगल 0 फिर मिला, कैंसिल, उसके बाद सिंगल 0 यहाँ पे मिला, इसको कैंसिल कर देंगे। अब कॉलम वाइज स्कैनिंग करेंगे तो ये कॉलम तो ऑलरेडी कैंसिल्ड है, उसके बाद इस कॉलम में सिंगल 0 मिल गया, कॉलम वाइज कर रहे हैं तो रो को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में गए, नेक्स्ट कॉलम में हमें कोई 0 नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे रो वाइज गए तो कोई भी ऐसा 0 नहीं है जो कि अनलाइंड हो या फिर अनअसाइंड हो। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे 4 जीरोज हैं, जबकि हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए, सो नॉट ऑप्टिमम सॉल्यूशन येट। तो फिर से हम यही प्रोसेस फिर से फॉलो करेंगे कि अनलाइंड लीस्ट एलिमेंट जो है यहाँ पे, अनलाइंड लीस्ट एलिमेंट, यहाँ पे अनलाइंड एलिमेंट्स क्या है, 6 8 7 2 5 9 5 3, लीस्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या है, 2। तो अनलाइंड लीस्ट एलिमेंट को क्या करेंगे, प्लस 2 करेंगे, जहाँ पे क्रॉसेस हैं वहाँ प्लस 2 करेंगे, जहाँ पे सिंगल लाइन है वहाँ कुछ नहीं करेंगे, जहाँ पे कोई भी लाइन नहीं है, 0 लाइन है या अनलाइंड एलिमेंट्स में, वहाँ पे माइनस 2 करेंगे। अनलाइंड लीस्ट एलिमेंट यहाँ पे 2 है। तो जो नई टेबल बनेगी वो बनाते हैं। अनलाइंड लीस्ट एलिमेंट यहाँ पे 6 8 7 2 5 9 5 3 में अनलाइंड लीस्ट एलिमेंट, दैट इज 2। यहाँ पे क्रॉसेस में हमें ऐड करना होगा, तो 0 का 2 बन गया, 4 का यहाँ पे क्या बनेगा, 6, और यहाँ पे क्रॉस क्या है, 3 से 5 बन गया, और उसके बाद यहाँ कोई क्रॉस तो दिख नहीं रहा है। अब जहाँ सिंगल लाइन है यहाँ 2, यहाँ पे 1 लाइन, और यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं है, यानी कि 0 लाइन है। तो जहाँ 1 लाइन है वो वाले एलिमेंट ऐसे ही रखे रहेंगे, यानी कि यहाँ 6, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 0, यहाँ पे 0। अब अनलाइंड एलिमेंट्स जहाँ पे हैं वहाँ पे इस अनलाइंड लीस्ट एलिमेंट दैट इज 2, उसे हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ क्या आएगा, 4, यहाँ पे क्या आएगा, 6, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। अब देखो ये नई टेबल हमारे पास ये बन गई है। अब इस हमें क्या करना होगा, स्कैनिंग करनी होगी। तो यहाँ रो वाइज पहले करते हैं, तो यहाँ पे 2 0 किसी को असाइन नहीं कर पाएंगे, सिंगल 0 मिल गया, यहाँ रो वाइज कर रहे हैं तो कॉलम को कैंसिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट रो में गए तो यहाँ पे सिंगल 0 मिला, इसे असाइन कर दिया और इस कॉलम को कैंसिल कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट रो में गए तो ये सिंगल 0 मिला, इस कॉलम को कैंसिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सिंगल 0 मिला, इसे असाइन कर दिया और इसे कैंसिल कर दिया। अब कॉलम वाइज कैंसिल देखेंगे, ये कॉलम कैंसिल है, ये कॉलम कैंसिल है, ये कॉलम कैंसिल है, ये कॉलम में देखते हैं तो एक सिंगल 0 मिला। कॉलम वाइज स्कैनिंग कर रहे हैं तो रो को कैंसिल करेंगे। अब सारे 0 या तो असाइंड हैं या तो लाइंड हैं, कोई तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी कि 5 जीरोज असाइनमेंट मिल चुका है 5 जीरोज को, और यही 5 के बराबर है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन हैव बीन गॉट। तो अब यहाँ पे असाइनमेंट प्रॉपर क्या आया, सेल्समैन ये हो गया, टेरिटरीज ये हो गई। अब सेल्समैन ये, टेरिटरीज ये, सेल्समैन ए को, बी को, सी को, डी को, ई को, यहाँ पे ये हैं। सेल्समैन ए को क्या क्या असाइन करेंगे, बी को, सी को, डी को, ई को। ए को हमने टेरिटरी 1, यहाँ पे ए को हमने टेरिटरी कौन सी, 1 2 3 4, फोर्थ टेरिटरी असाइन करेंगे, फोर्थ टेरिटरी, या यहाँ पे ये कर सकते हैं फोर्थ टेरिटरी। उसके बाद बी को हमने सेकंड टेरिटरी असाइन की है, उसके बाद सी को हमने फिफ्थ टेरिटरी असाइन की है, उसके बाद डी को हमने थर्ड टेरिटरी असाइन की है, उसके बाद ई को हमने
फर्स्ट टेरिटरी असाइन की है। अब यहाँ पे देखो सेल्समैन ए है, इसको फोर्थ टेरिटरी असाइन किया है, तो सेल्स कितनी आई है 6 यूनिट। यहाँ पे क्या है, बी को हमने सेकेंड टेरिटरी असाइन किया है, तो यानी सेल्स कितनी आई है 15। यहाँ पे सेल्समैन सी को हमने फिफ्थ टेरिटरी असाइन की है, यानी सेल्स कितनी आई है 11। यहाँ पे डी सेल्समैन को कितना थर्ड टेरिटरी असाइन की है, दैट इज 15 सेल्स आई है। उसके बाद ई सेल्समैन को हमने फर्स्ट टेरिटरी असाइन की है, दैट इज 8। तो टोटल सेल्स कितनी आ गई, तो इन्हें सबको ऐड करते हैं, टोटल सेल्स हम मैक्सिमाइज निकाल पाएंगे 6, 15, 6, 21, 21, 11, 32, 32, 15, 47, 47, 8, 55। सो 55 यूनिट्स विल बी द मैक्सिमम सेल्स एंड वी हैव असाइनमेंट दिस। तो दिस विल बी द ऑप्टिमम सॉल्यूशन फॉर दिस असाइनमेंट प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में हम इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में चेंज करने के लिए कोई दूसरा मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे तो हंगारियन मेथड यूज हुआ है, यहाँ पे दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, तो आप उसे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं।